में तबाही मचाते हैं, या घर में किसी के घर में उनको अनाज की मैक आ जाती है, वहाँ जाके वो तोड़ फोड़ करके अपना खाना का अरेंजमेंट कर रहे हैं। इट मीन्स वो जान रहे हैं कि ह्यूमंस के पास खाना मिल जाएगा, इसलिए वो आ रहे हैं। और ये सबसे बड़ा कारण है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन के वजह से। वो अपने कॉरिडोर में चलते थे, यहाँ आप 10 साल से देख रहे होंगे, जब से NH-33 हाईवे बना, रेलवे का काम चल रहा था, तब से हाथी घुसना स्टार्ट हुए। पिछले साल भी 9 बंदे शायद मारे गए थे। तो आज हमारे साथ मौजूद है उत्तराखंड वन विभाग से अरशद खान, जो कि वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट और रेस्क्यू का काम करते हैं उत्तराखंड में। अरशद खान से हम जानना चाहेंगे कि झारखंड में हुई घटना जिसमें कि हाथी शहर में घुस आया और उसने कई लोगों पर वहां हमला कर दिया। देखिए, हाथी शहर में आ गया, इसके लिए आपको पहले वो हाथियों को समझना पड़ेगा। एक्चुअली हाथी हर्ड में चलते हैं, उनका झुंड होता है, वो अकेले नहीं चलते। एक मैट्रियार्क होती है और उसके साथ कई हाथी होते हैं, मेल और फीमेल, ठीक है। वो अपने कॉरिडोर पर चलते हैं, जैसे हमारे हजारीबाग में बड़का गांव के पीछे का रास्ता है, छूट छूते हुए जाता है, वो उनका कॉरिडोर हुआ करता था। लेकिन जो आप देख रहे हो कि 6-7 साल पहले भी हाईवे पे अक्सर जाम हो जाता, हाथी आके खड़े हो जाते हैं, वहाँ तबाही होता है, बट अभी तक सॉल्यूशन नहीं। सबसे बड़ा कारण है इंफ्रास्ट्रक्चर, आपने बर्बाद कर दिया उनका कॉरिडोर, तो वो क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको नया रास्ता खोजना पड़ रहा है। और उनके कॉरिडोर में क्या होता है ना कि उन्हें हर चीज़ पता होता है, कहाँ पे पानी अभी मिल जाएगा, कहाँ पे अभी खाना मिल जाएगा, कहाँ, उनको ये सब चीज़ उनके जनरेशन से पता चलते आता है, उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। बट जब से ये इंफ्रास्ट्रक्चर इससे डिस्ट्रक्शन हुआ है, तब से हाथी, आप जब देख रहे होंगे 8-9 साल से हाथी हर साल हजारीबाग शहर में आते हैं और कुछ बंदों को मारते हैं। ये आज का प्रॉब्लम नहीं है, ये 20 साल से चल रहा है। तो अरशद भाई, आते हैं हमारे दूसरे सवाल पे। जैसा आपने कहा कि हाथी हमेशा ग्रुप में रहते हैं, यानी कि हर्ड में रहते हैं, तो ऐसा क्यों हुआ कि एक अकेला एक ही हाथी शहर में आकर के उसने उत्पात की, इसकी क्या वजह हो सकती है? जैसे कल मेरे पास न्यूज आया कि एक हाथी ने मारा है, वहां पे 3 बंदों को अटैक किया था, 3 मार दिया उसने। तो मैंने सोचा कि हर्ड आया होगा और हर्ड ने अटैक किया होगा, खाने वाने के चक्कर में आ जाते हैं ये। लेकिन बाद में पता चला कि एक हाथी था, तो वो सब एडल्ट मेल था। तो ये अलग बात है, ये अकेला के कैसे कर रहा है, तो मुझे लगता है, देखो हाथी बंदर एकदम मास्टर होते हैं, ठीक है, उनको गंध बहुत अच्छे से सुन सकते हैं, किसी को भी 1000 आदमी वो आपको खोज के निकाल सकते हैं, और बहुत समझदार जानवर होते हैं। तो ये जो मेल था, या तो ये रोग होगा जो कि मखना हाथी जिसको आप कह सकते हैं, या फिर जैसे मेल होते हैं वो काफ़ी उत्तेजक होते हैं और परेशान होते हैं, तो मैट्रियार्क उन्हें बाहर कर देती है कि आप झुंड से बाहर हो जाओ, अपने से देखो अपना। तो वैसे में टस्कर अकेले घूमता है और ऐसे में सुनते अटैक होना, बट ये कल घर के पास कर रहा था, इट मीन्स उसको कुछ तो था दुश्मनी ग्रज टाइप का, जिसके वजह से उसने किया है। अब आइए हम जानते हैं, हमारा जो तीसरा सवाल है अरशद भाई आपसे, वो ये रहेगा कि ये जो हाथी आया था शहर में, ये अब बता रहे हैं कि शहर से काफी दूर पहुंच चुका है, हाथी थोड़ा दूर चले गए हैं शहर से या आबादी वाले इलाके से, आपका क्या मानना है, क्या ऐसा दोबारा फिर से हो सकता है कि ये हाथी लौटे और हमला कर दें, या दोबारा इनका ग्रुप शहर की ओर घुसे इस तरीके से, और इस तरीके की घटनाएं दोबारा हों, आपका इस बारे में क्या मानना और सोचना है? बिल्कुल, वो हाथी बिल्कुल वापस आ सकता है, क्योंकि हाथी रोज कम से कम 20 किलो से ज्यादा पत्ते खाते हैं, मतलब खाना उनको खाना ही पड़ता है, ठीक है। तो सोर्स ऑफ फूड उनको नहीं मिलने के कारण वो खेत उत की रुख करते हैं, खेत उत में आते हैं, उनमें तबाही मचाते हैं, या घर में किसी के घर में उनको अनाज की मैक आ जाती है, वहाँ जाके वो तोड़ फोड़ करके अपना खाना का अरेंजमेंट कर रहे हैं। इट मीन्स वो जान रहे हैं कि ह्यूमंस के पास खाना मिल जाएगा, इसलिए वो आ रहे हैं। और ये सबसे बड़ा कारण है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन के वजह से। वो अपने कॉरिडोर में चलते थे, यहाँ आप 10 साल से देख रहे होंगे, जब से NH-33 हाईवे बना, रेलवे का काम चल रहा था, तब से हाथी घुसना स्टार्ट हुए। एक हाथी नहीं मारा तो ये प्रॉब्लम इतना आसानी से खत्म नहीं होने वाला, हमें उनका कॉरिडोर को कंजर्व करना होगा। यहाँ देहरादून में जैसे अभी एलिवेटेड रोड बन रहे हैं कि नीचे से गाड़ियाँ, नीचे से जानवर पास हो सकते हैं और ऊपर से गाड़ियाँ पास हो सकती है, तो ये इको फ्रेंडली हो सकता है, जिससे उनको थोड़ा कम स्ट्रेस हो। ऐसे ही प्रोजेक्ट्स हजारीबाग पूरे झारखंड में ही चाहिए, इनफैक्ट चारों स्टेट्स में चाहिए, झारखंड के अगल बगल जहाँ हाथी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। हाथी बहुत ज़्यादा सताए गए हैं, करंट लगा देते हैं, ठीक है, ये लोग क्या करते हैं कि महुआ में मिला देते हैं जहर और टांग देते हैं, तो इस वजह से हाथी उसकी मौत होती है, और वो भूलते नहीं हैं, वो इंसानों को ही इसका दुश्मन मान रहे हैं, और इस वजह से वो ऐसा कर रहे हैं।
तो हम सिर्फ यही कर सकते हैं कि पहले तो आपको खुद अवेयर होना होगा, यही एक लौता कारण ही है। अभी हाथी आया है, अभी हाथी से परेशानी हो रही है, कुछ दिन बाद बारिश आएगा सांप से परेशानी होगी, उसके बाद ठंड आएगा दूसरे जानवर से परेशानी होगी, जंगली सुअर हमेशा परेशानी बने हुए हैं। तो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को एक अच्छा सा टीम बनाना होगा इसके लिए, जो इस कॉन्फ्लिक्ट को मिटिगेट कर पाए।